हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम बैक टू इंडिया नॉलेज नेटवर्क। आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं यूपीएससी भवन के सामने क्यों नहीं आ रही हूँ, तो फाइनली आई एम हियर एट यूपीएससी भवन फॉर इंटरव्यू। आपके क्वेश्चंस लेके मैं चल मैं कैंडिडेट्स के पास जाती हूँ और पूछते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस विद योर क्वेश्चंस। सबसे पहले अपना नाम बताइए प्लीज हमें। अभिजीत सिंह। ओके, कहाँ से आए आप? मैं दिल्ली से हूँ। सो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? थर्ड अटेम्प्ट था। ओके, इंटरव्यू के लिए? फर्स्ट इंटरव्यू। ओके, दैट्स ग्रेट, कंग्रेचुलेशंस। सो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सही था एक्सपीरियंस, अच्छा एक्सपीरियंस था। और क्वेश्चंस तो पूछे वो रैंडम ही थे मैक्सिमम, तो वही जितना इधर उधर का पढ़ा हुआ था वो ज़्यादा काम आया, रादर देन जितना डेफ एफ के लिए प्रिपेयर किया था, होम स्टेट ये सब तो इतना काम नहीं आया, बट जितना रैंडम पढ़ा था इधर आर्टिकल कहीं कुछ, कहीं गूगल पे पढ़ा, कहीं ट्विटर पे देखा, तो उस टाइप की चीज़ें बोल दी, तो ओवरऑल ठीक था। कुछ क्वेश्चंस नहीं भी आते थे तो उनमें सॉरी बोल के देन आगे बढ़ा, वो फिर सेकंड क्वेश्चन पूछे, बस ऐसे ही रहा। किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए प्लीज़ आप बताएं? क्वेश्चंस जनरली तो फैक्चुअली थे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो एपेक है वो क्यों है, देन कुछ मतलब ऐसे अब तो याद नहीं आ रहा, बट जनरली फैक्चुअल क्वेश्चंस थे। कुछ सिचुएशनल थे कि क्या करोगे अगर कलेक्टर हुए तो यहाँ पे क्या करोगे, या इस चीज़ में तुम क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, इस सेक्टर में क्या चाहते हो, और इसी टाइप के थे। मतलब वेरीड क्वेश्चंस थे, कोई पैटर्न नहीं था कि इस टाइप के ही है कि उस टाइप के ही है। जिस मेंबर का किसी का GST मन में गया तो GST भी पूछा, ओवरऑल मतलब जितना वो उनको मन में जो आ रहा था वो वैसे पूछते जा रहे थे, और काफ़ी रैंडम था। ओके, सो टफेस्ट क्वेश्चन आपसे, जो सबसे मुश्किल सवाल ऐसा क्या पूछा और उसको आपने कैसे हैंडल किया? सबसे मुश्किल सवाल कुछ पूछा था बायो सेफ्टी लेवल 4, हैंडल क्या करना उसको, बोला सर सॉरी नहीं आता, तो फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो वही था सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। बाकी तो मतलब जो फैक्चुअल थे वो बता दिया थे, जो नहीं आते थे उनमें सॉरी बोल दिया, जो सिचुएशनल थे उनमें कुछ कुछ बना के उनको जैसा भी ऑन द स्पॉट हुआ वैसा बता दिया, और कुछ भूल भी गया, अभी याद आ रहा है कि ये बोल सकते थे, बट कोई नहीं हो तो होता ही है। तो नर्वस ज़्यादा थे आप या कैसे थे, पैनल सपोर्टिव था? नर्वस एंट्री करते हुए तो नर्वस थे ही, मतलब सर को देख के एकदम एक बार के लिए आप इंटिमिडेट हो जाओगे कि चेयरमैन सर बैठे हैं और मेंबर्स बैठे हैं, बट फिर एक बार बैठ गए फिर बात होने लगी, फिर वो थोड़ा कन्वर्सेशन स्टाइल हो गया, फिर थोड़ी देर में लगा कि यार मेरे को ही थोड़ा और फॉर्मल होना चाहिए, थोड़ा मैं लीन कर गया और ये कर गया वो सब, तो थोड़ा फॉर्मल होके फिर मतलब अच्छा एटमॉस्फेयर था, कोई ऐसा मतलब इतना डर का माहौल जितना बना के जाते हैं वैसा है नहीं, वो काफ़ी ईजी था वो। जैसे कि आपने कहा कि डैफ से कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके, तो डैफ कहा जाता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे आप, क्योंकि लग रहा है कि डैफ से आपसे बहुत ही कम? नहीं अभी तो रैंडम है, किसी से मतलब मेरे बगल में जो थे वो दूसरे बोर्ड में, तो उनसे डैफ से ही पूछा सब कुछ, तो वही है कि अब प्रिपेयर करके सब आ जाओ, फिर किस्मत के ऊपर है क्या पूछ लें, अगर डैफ पूछ लिया तो डैफ बताओ, नहीं पूछा तो फिर वो किस्मत है। मतलब एक दो क्वेश्चन तो फिर भी डैफ से पूछा ही, बट वैसा डैफ से पूछा नहीं जिस हिसाब से डैफ की प्रिपरेशन की थी, तो ठीक था। एग्जैक्टली, सो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा था? मेरा पॉलिटिकल साइंस एंड IR, PSIR। सो उनसे क्या सवाल पूछे गए? उससे तो एक उन्होंने इमिग्रेशन पूछा कि क्या होता है, फिर इमिग्रेशन रिलेटेड एक्ट पूछा, फिर बोला है कि इमिग्रेशन बिल है वो आता नहीं था, तो बोला सर याद नहीं आ रहा हो तो, और एक APEC ऑर्गेनाइजेशन थी उसके बारे में पूछा, बस PSIR से ज़्यादा था नहीं, ऑप्शनल से भी मेरे को लगा कि पूछेंगे इतना अफगानिस्तान में हो रहा, इधर उधर को हो रहा, UN में हो रहा, मैंने थोड़ा घुमाने की भी कोशिश की आंसर देके कि शायद उस तरफ जाएं, बट वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे, उन्होंने उसको पूरा स्किप ही कर दिया ऑप्शनल भी, ऑलमोस्ट जीरो ही था ऑप्शनल भी। सो जैसे कि आपको पता है कि प्रीलिम्स आ रहे हैं, सो स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देंगे, क्योंकि आपने 3 बार अटेम्प्ट दिया है, सो आपने क्या वो मिस्टेक्स ओवरकम करी और थर्ड टाइम में आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए, सो प्लीज़ वो अपना एक्सपीरियंस प्लीज़ बताइए और स्टूडेंट्स को एडवाइस दीजिए। मैम प्रीलिम्स में तो मेरा भी मतलब यह है कि निकल जाता है बस कट ऑफ से 1-2 मार्क्स ज़्यादा 3 मार्क्स ज़्यादा, बट यही है कि जितना स्टैटिक पार्ट है उतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बाकी तो मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता है कि बस तैयारी करो देख क्या हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो कोई मतलब बहुत बड़ा वो नहीं है कि प्रीलिम्स निकाल लिया तो बहुत बड़े हो गए कि वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, जो नहीं भी होता है, पहले अटैम्प्ट मेरा नहीं भी हुआ सेकेंड में हुआ, तो बहुत कोई इतना टेंशन लेने वाली चीज़ नहीं है, मतलब सही से पढ़ा दिया हो गया नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ो, अगला अटेम्प्ट दो कुछ और करो, नहीं तो फिर ट्राई करो, यही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड वी होप कि आप सेलेक्ट हो और हम एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू लें। ओके मैम, थैंक यू।